दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइलेंस, कम बोलने या चुप रहने की पावर। आपको लगता होगा कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही कूल और जीनियस दिखेंगे, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं या हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं। कोई भी इंसान ऐसे लोगों की बातों पर ना तो ध्यान देते हैं और ना ही ऐसे लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझा जाता है। अगर आप चुप रहना नहीं जानते हैं तो ये आज ही सीख लो। मैं ये नहीं कहता कि हर समय बस चुप रहो, पर जितना हो सके उतना मौन रहो। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहता है तो आप अच्छे से चीजों के बारे में सोच पाते हैं। अगर आपने शांत रहना सीख लिया तो कई सारी प्रॉब्लम्स बिना झगड़े के ही सोल्व हो जाती है। हर जगह बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार ये जुबान, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, ये आपकी हड्डियां भी तुड़वा सकती है। क्योंकि धनुष से निकला तीर और जुबान से बोला शब्द कभी वापस नहीं आते। सोचो, अगर आपने शांत रहना सीख लिया तो ये साइलेंस की वजह से कई बार आपके अपनों से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। चाणक्य भी कहते हैं कि उतना ही बोलो जितना की जरूरी हो, वरना ज्यादा बोलोगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जो लोग कम बोलते हैं या शांत रहते हैं, सभी लोग उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ऐसे लोगों की बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आप अच्छे से सामने वाले पर्सन की बातों को समझ पाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देकर ये समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ। आप शांत रहकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान आपसे किसी समस्या का समाधान पूछता है तो आप शांत रहकर उसकी बातों को अच्छे से सुनकर उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल कर आसानी से दे सकते हो। और अगर आपको शांत रहना नहीं आता या फिर आप हमेशा बस बिना मतलब के बोलते रहते हैं, तो ऐसे में आपके ना चाहते हुए भी आप कई बार अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में कोई भी बिना मतलब की फालतू की बात बोल देते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, जिसका आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, और आप अपने दोस्तों या कहीं पर भी मजाक के पात्र बन जाओगे। कई बार आपका ज्यादा बोलना आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों में डाल सकता है। कई बार ये जुबान गुस्से में ऐसे शब्द बोल देती है जो शब्द शरीर पर हथियार का काम करते हैं। ये शब्द आपको प्रॉब्लम्स में भी डाल सकते हैं और आपको प्रॉब्लम से निकाल भी सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको हमेशा बड़बोला बनकर अपने डिसरिस्पेक्ट करवाना है या शांत रहकर एक जीनियस इंसान की तरह रिस्पेक्ट पाना है। जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो सभी का ध्यान उसी की तरफ चला जाता है कि आखिर ये इंसान क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति आगे क्या बोलने वाला है, ये क्या करने वाला है, और सभी लोग तरसते हैं ऐसे इंसान की बातों को सुनने के लिए। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चे ज्यादा बोलते थे, क्या आप ऐसे बच्चों की बातों पर ध्यान देते थे, ऐसे बच्चों को सुनना पसंद करते थे? आप भी ऐसे स्टूडेंट को भाव नहीं देते थे। पर जब कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में शांत रहता था या कम बोलता था, सभी का ध्यान उसी पर होता था, सभी उसे समझदार, इंटेलिजेंट मानते थे, चाहे वो भले ही समझदार ना था, पर ऐसे लोगों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और यही सच है, साइलेंट रहना जरूरी है, क्योंकि ये आपके सपनों के लिए, आपके टारगेट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप खुली किताब की तरह रहोगे, लोगों को अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स बताते फिरोगे, अपनी सारी बातें लोगों से शेयर करोगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए, क्योंकि अगर आपने अपने गोल्स को लोगों के साथ शेयर कर दिया, उन्हें अपने प्लान्स को बता दिया, तो लोग या तो आपकी राह में अड़चन पैदा करेंगे या आपको सक्सेस तक जाने से रोकेंगे, या फिर अगर आप किसी वजह से अपनी फील्ड में फेल हो गए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ताने मारेंगे, आप पर हंसेंगे कि ये तो बस बोलता रहता है, हमेशा बड़बड़ाता रहता है, करता कुछ भी नहीं है, और आपकी इमेज भी डाउन हो जाएगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि साइलेंस रहना कितना जरूरी है। कई बार हम साइलेंट रहकर वो काम भी कर सकते हैं जो कि हम बोलकर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थी साइलेंस की पावर। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो ज्यादा बोलते हैं।